इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइए और पाइए भारत घूमने से जुड़ी पूरी जानकारी एकदम निशुल्क। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में घूमने से जुड़ी पूरी जानकारी गांधीनगर की 10 प्रमुख जगहों के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से आखिर तक पूरी जरूर देखेगा और मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप हमारी और वीडियोस देखे बिना नहीं रह पाएंगे। नंबर 10, पुनीत वन। 10वें नंबर पर है पुनीत वन, जो गांधीनगर के सेक्टर 18 में है। गांधीनगर को ग्रीन सिटी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पुनीत वन का भी इम्पोर्टेंट रोल है। इस वन क्षेत्र में 3,500 से ज्यादा पेड़ हैं, जो इस वन के 4 हिस्सों में फैले हुए हैं। वन का ये विभाजन पौराणिक और ज्योतिषीय आधार पर किया गया है और साथ ही यहाँ के पेड़ पौधों के नाम तारों, ग्रहों और राशियों के ऊपर रखे गए हैं। पुनीत वन गांधीनगर के रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर और हवाई अड्डे से 19 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। गांधीनगर घूमने का सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर से मार्च के बीच है। नंबर 9, संत सरोवर डैम। 9वें नंबर पर आता है गांधीनगर का संत सरोवर डैम, जो कि गांधीनगर के इंद्रोदा इलाके में है। साबर नदी के ऊपर बना ये बांध बहुत विशाल है और इस जगह के आसपास काफी खुली जगह है। ये बांध बीते कुछ सालों में गांधीनगर का एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहां छुट्टियों पर लोगों का तांता लग जाता है। हालांकि मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप अगर यहाँ जाएं तो सावधानी भी पूरी बरतें और सुरक्षा और चेतावनियों का उल्लंघन ना करें। संत सरोवर बांध रेलवे स्टेशन से 7 और हवाई अड्डे से 17 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। गांधीनगर में सबसे ज्यादा गुजराती भाषा और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, सुपर मॉल। और अब बात करते हैं 8वें नंबर पर आने वाले सुपर मॉल की। सुपर मॉल गांधीनगर का सबसे प्रमुख मॉल है, जो गांधीनगर के इंद्रोदा सर्कल के पास इन्फो सिटी रोड पर स्थित है। सुपर मॉल में आपको सुई से लेकर घर के बड़े अप्लायंसेस भी आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ दोस्तों के साथ तफरी करने का भी अलग मजा है। पास में कई आईटी ऑफिसेज होने की वजह से ये जगह काफी चलती है। आपको यहाँ के फूड कोर्ट में गुजराती व्यंजनों को चखने का भी मौका मिलता है। सुपर मॉल गांधीनगर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर और एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। आप गांधीनगर में ऑटो रिक्शा या टैक्सी कैब के द्वारा सबसे बेहतर तरीके से घूम पाएंगे। अगर आपको कम खर्च में ट्रेवल करना है तो बस द्वारा भी कई जगह घूमी जा सकती हैं। नंबर 7, डांडी कुटीर। 7वां नंबर हासिल किया है डांडी कुटीर ने, जो गांधीनगर के सेक्टर 13 में बना हुआ है। डांडी कुटीर, जिसे सॉल्ट म्यूजियम भी कहते हैं, महात्मा गांधी के सम्मान में बनाया गया एक उत्कृष्ट संग्रहालय है। यहाँ पर जाते ही सबसे पहले इस म्यूजियम की विशाल गुंबदनुमा इमारत आपका ध्यान खींच लेगी। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी कई रोचक वस्तुएं प्रदर्शित करके रखी गई हैं। लेजर शो, 4D वर्चुअल रियलिटी, LED फ्लोर और 3D होलोग्राफी यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर और एयरपोर्ट 20 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। गांधीनगर के सबसे प्रमुख मार्केट हैं सेक्टर 21 की मार्केट, सेक्टर 7 की मार्केट, इन्फो सिटी और सेक्टर 10 की मार्केट। नंबर 6, त्रिमंदिर। 6ठे स्थान पर है गांधीनगर के अदलश क्षेत्र में बना हुआ त्रिमंदिर। त्रिमंदिर, जिसका पूरा नाम बाबा भगवान त्रिमंदिर है, ना सिर्फ एक मंदिर मात्र है बल्कि ये जगह विभिन्न धर्मों के समागम को भी दर्शाता है। त्रिमंदिर एक 3 मंदिर रूपी धार्मिक जगह है, जहां आप शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। इस जगह श्री महावीर, राम जी और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। ये मंदिर गांधीनगर के दक्षिण पश्चिमी भाग में गांधीनगर के रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर और हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। गांधीनगर अपने खादी उत्पादों के लिए पूरे भारत में फेमस है। साथ ही गुजराती कपड़े, गुजराती स्नैक्स और वॉल हैंगिंग भी यहां से खरीदी जा सकती हैं। अगर बात करें खाने की तो फिर खांडवी, ढोकला, फाफड़ा, पात्रा और श्रीखंड जैसे
कई विशेष व्यंजन यहाँ की खासियत हैं। अगर ये वीडियो और इस पर की गई कई दिनों की मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को अपने अमूल्य 2 सेकंड निकालकर लाइक जरूर दे दें, धन्यवाद। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप देश के विभिन्न स्थानों की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन स्टोर citymemories.in पर जाकर खरीद सकते हैं। ये मर्चेंडाइज अच्छी क्वालिटी की हैं और वाजिब कीमत पर उपलब्ध हैं। नंबर 5, सरिता उद्यान। 5वें नंबर पर है गांधीनगर का सरिता उद्यान, जो गांधीनगर के इंद्रोदा में संत सरोवर बांध के पास स्थित है। सरिता उद्यान के बगल से आपको साबरमती नदी के भी सौम्य नजारे देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है। सरिता उद्यान की एंट्रेंस काफी अनोखी और आकर्षक तरीके से बनाई गई है और सुबह और शाम को यहाँ टहलने का अपना मजा है। सरिता उद्यान गांधीनगर के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है और हवाई अड्डे से 19 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। अगर आपको गांधीनगर में त्योहार का भी मजा लेना है तो यहाँ पर आप जन्माष्टमी, उत्तरायण या नवरात्रि के दौरान आ सकते हैं, जब यहाँ चारों तरफ हर्षोल्लास से ये पर्व मनाए जाते हैं। नंबर 4, टॉय ट्रेन पार्क। और अब बात करते हैं उस स्थान की जो गांधीनगर के बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार के लिए घूमने की एक अच्छी जगह है। मैं बात कर रहा हूँ 4थे नंबर पर आने वाले गांधीनगर के सेक्टर 28 में बने टॉय ट्रेन पार्क की। यहाँ पर बच्चों के लिए ढेरों झूले और टॉय ट्रेन है, जिनका मजा आप बच्चों के चेहरे पर साफ देख पाएंगे। परिवार समेत भी यहाँ पिकनिक मनाने आए लोग आपको दिख जाएंगे। टॉय ट्रेन पार्क गांधीनगर के रेलवे स्टेशन से 6 और एयरपोर्ट से 23 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। गांधीनगर से अगर आपको परंपरागत कपड़े खरीदने हो तो यहाँ से आप घाघरा चोली, चोन, केदियू, धोती, कुर्ता आदि खरीद सकते हैं। नंबर 3, अदलज बाउली। तीसरे पायदान पर बाजी मारी है अदलज बाउली ने, जिसको देखने के लिए आपको गांधीनगर की भीड़ भाड़ से थोड़ा हटकर शहर के दक्षिण पश्चिमी छोर पर जाना पड़ेगा। ये बावली 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसका निर्माण पानी की किल्लत ना हो इसलिए किया गया था। इस बावली की दीवारों पर की गई महीन कारीगरी भी आपको काफी आकर्षक लगेगी। इतने समय पहले किया गया इतना अच्छा वास्तुकला का काम आपको अचंभित कर देगा। अदलज बावली रेलवे स्टेशन से 12 और एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। गांधीनगर का बस स्टैंड सेक्टर 11 में है और सबसे करीबी हवाई अड्डा 20 किलोमीटर दूर पड़ोसी शहर अहमदाबाद में है। गांधीनगर का मुख्य रेलवे स्टेशन गांधीनगर कैपिटल है, जो सेक्टर 14 में है। देश के बाकी बड़े शहरों से आप गांधीनगर स्क्रीन पर दर्शाई गई रेलगाड़ियों द्वारा पहुंच सकते हैं। नंबर 2, इंद्रोदा नेचर पार्क। अगले नंबर पर आता है गांधीनगर का इंद्रोदा नेचर पार्क, जो इंद्रोदा सर्कल के पास स्थित है। ये एक विशाल वन्य क्षेत्र है जो गांधीनगर के लिए फेफड़ों का काम करता है और हवा को स्वच्छ करता है। और तो और, इस नेचर पार्क के माध्यम से आप डायनासोर के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। इस नेचर पार्क में डायनासोर के कई अंडे भी संभाल के रखे गए हैं, जिनको देखना काफी रोमांचकारी है। यहाँ जगह जगह पर अलग अलग प्रजाति के डायनासोर के स्टैचू भी लगे हुए हैं। इंद्रोदा नेचर पार्क रेलवे स्टेशन से 7 और एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर सुपर टिप। गांधीनगर घूमने के लिए 2 से 4 दिन पर्याप्त हैं और यहाँ सामान्यतः प्रति व्यक्ति खर्चा 3 से 6 हजार रुपए के बीच आएगा। नंबर 1, अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर आता है प्रथम स्थान पर और इसको देखने के लिए आपको गांधीनगर के सेक्टर 20 का रुख करना पड़ेगा। गांधीनगर का ये मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों की सूची में शुमार है और अत्यंत प्रतिष्ठित है। स्वामी नारायण देवता को समर्पित ये मंदिर जनता के लिए 1992 में स्थापित किया गया था। इस मंदिर को बनाने के लिए 6000 टन बलुआ पत्थर राजस्थान से विशेष तौर पर मंगवाए गए थे। अक्षरधाम मंदिर रेलवे स्टेशन से 7 और हवाई अड्डे से 21 किलोमीटर दूर है। आप इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देंगे ये मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। स्क्रीन पर कुछ और वीडियोस आपके देखने का इंतजार कर रही हैं।
उन्हें भी क्लिक करके देख लीजिए।